Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। पूर्वी, अब तू ही बताओ ओवी मैम को कि वो लड़की कौन है जो अर्जुन सर और ओवी मैम की जिंदगी में जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, अर्जुन सर को जबरदस्ती बदनाम कर रही, तो इतना करेगी ना मेरे लिए, तो पता लगाएगी ना। तू एक काम कर, तू ना पूर्वी की तरह ऑफिस ज्वाइन कर ले, सुबह जाना शाम को आना, इस तरह क्या ना तू अर्जुन के साथ भी रह पाएगी, उस पर नजर भी रख पाएगी 24 घंटे। ऑफिस है, वहां काम करना होता है, मेकअप वेकअप नहीं चलेगा वहां पे। तू पागल है क्या तेज? कुछ भी, चलो अभी ये सारी बातें छोड़ो, मैं खाना लगाती हूँ, हम लोग सब खाना खाते हैं ना, चल। पूर्वी, जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। आई कैसे बताऊं मैं तुझे, वो लड़की कोई और नहीं, मैं हूं। पूर्वी चल, मैं जा रही हूँ, तू इतनी जल्दी सो जाएगी? हाँ, वो आई कल ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम है ना, 3-4 मीटिंग्स प्लान की है, तो सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए मैं सोच रही। तू सो, मैं निकलती। पूर्वी, तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ ही बोलना। पूर्वी, मैं ये कह रही थी कि आज बाहर ओवी ने जो कुछ भी बताया, पूर्वी प्लीज इस मामले को अच्छे से हैंडल कर लेना। ओवी अर्जुन से बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, और वो साफ साफ उसकी आंखों में नजर आता है, और ऐसे में अर्जुन का इस तरफ, तो समझ रही ना जो मैं कह रही हूँ, ऐसा होता है कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो मन में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं हम उसे खो ना, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। पूर्वी, तुझसे एक बात कहूँ, जब मेरी शादी हुई थी ना मानव से, तो मैं मानव को इतना अच्छे से नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था वो कैसे है, लेकिन जैसे जैसे मैं उनके साथ रहने लगी, मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छे, बहुत समझते हैं मुझे, और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन पूर्वी, ओवी की बात अलग है, वो जब 14 साल की थी ना, तब से अर्जुन से प्यार कर रही, और ऐसे में ये सब, मुझे पता है कि अर्जुन ऐसा लड़का नहीं है कि वो इस तरह ओवी को धोखा दे। मैं जानती हूँ कि वो ओवी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ओवी का इस तरह सोचना वो भी जायज है, क्योंकि हम जिसे सच्चा प्यार करते हैं ना, उसके लिए हमेशा एक मन में डर रहता है कि कहीं हम उसे खो ना दे, इसलिए। सॉरी, मैंने तुझे भी जबरदस्ती अपनी बातों में, मैं चलती हूँ, हम कल बात करें। नहीं आई, मैं ठीक हूँ आई। मैं भी कितनी पागल हूँ ना, बाहर ओवी को ये समझा रही थी कि ये सब कुछ झूठ है, और अपने आप को ही दिलासा देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ पूर्वी, मैं माँ हूँ ना उसकी, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल, इसलिए चिंता रहे। पूर्वी देख, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन लड़की है जो अर्जुन और ओवी की जिंदगी में इतनी सारी गलतफहमियां पैदा कर, मुझे सिर्फ पता करना। मैं जानती हूँ मैंने तुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी,
लेकिन एक तू ही है पूर्वी जो जो इस चीज का पता लगा सकती है कि वो कौन लड़की, क्योंकि तू दो दिन रात अर्जुन के साथ रहती है, उसके साथ काम करती है, तू ही पता लगा सकती है ना। मैं नहीं जानती उस लड़की के इंटेंशंस क्या, लेकिन अगर वो मानव और अर्जुन को बदनाम करना चाहती है तो हमें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा। आई तू टेंशन मत ले, मैं जल्द से जल्द पता करूंगी कि वो लड़की कौन है। थैंक यू पूर्वी। अच्छा चल अब मैं चलती हूँ, ठीक है? मैं तुझे छोड़ कर नहीं, तू रुक, तू आराम, तुझे कल सुबह जल्दी जाना है ना, मैं चल, अपना ख्याल रख। आई तो चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं विनोद दादा को सब समझा दूंगी। आई देख मैं समझ सकती हूँ कि विनोद दादा को बुरा लगा है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, विनोद दादा का गुस्सा होना जायज सी बात, मतलब उन्हें गुस्सा आएगा ही ना, उन्हें पता चला जब ओवी और तेजो इंडिया आई है तो गुस्सा तो आएगा ही ना, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, ना उस वक्त हमारे हाथ में कुछ था ना अभी हमारे हाथ में कुछ है। देख अभी हमें शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे, तू चिंता मत करना, बाय बाय बाय। अर्चना क्या हुआ, तुम अभी भी विनोद के बारे में बात कर रही थी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मानव, सब ठीक है मानव। अर्चना क्या छुपा रही तुम मुझसे? मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी मानव, मैं सच कह रही हूँ, सब ठीक है। आप मैं तुम्हें जानता हूँ अर्चना, बता दो क्या छुपा। मानव दरअसल बात यह है कि वो विनोद दादा को ये पता चल गया कि ओवी तेजो इंडिया में, और ओवी की सगाई भी हो चुकी है, और उन्हें बुलाया भी नहीं, तो वो थोड़े से नाराज थे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैंने उन्हें सब समझा दिया है अच्छे से। तो एक्चुअली अर्चना विनोद का नाराज होना बिल्कुल जायज, हमारे फैमिली मेंबर हैं, अपनी भांजियों के बारे में जानना, उनकी खुशियों में शामिल होने का पूरा हक है उन्हें। गलती मुझसे हुई है जिसे मैं बहुत जल्दी सुधारूंगा, तुम फिक्र मत करो, शादी में सब लोग होंगे, विनोद, मंजुषा वहिनी, पुन्नी, प्रशांत सब होंगे। लेकिन कैसे माना, किस रिश्ते से हम वहां बुलाएंगे? अर्चना हम शादी में हमारे सारे एम्प्लॉयज के पूरे परिवार वालों को न्योता देंगे, और ऐसे भी पुन्नी हमारे कंपनी की एम्प्लॉय है, विनोद, मंजुषा वहिनी, पुन्नी, प्रशांत सब आ ही सकते हैं। इनफैक्ट मैं खुद ही उन्हें कॉल करूंगा और इन्विटेशन भी दूंगा। मैम अब यहाँ से स्ट्रेट जाना है या राइट टर्न ले लूं? ओवी, ओवी ड्राइवर तुमसे कुछ पूछ रहा है, कहाँ जाना है तुम्हें? Where do you wanna go? क्यों क्या? होटल छोड़ दूँ तुम्हें? नहीं अर्जुन, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, बस तुम्हारे साथ। हुआ क्या? What happened? अर्जुन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि वो केस वाली बात अपने दिमाग से निकालूं, बट नहीं निकाल पा रही हूँ। It's okay, don't worry. और अब तो सचिन को भी ये बात पता है, तो I'm sure वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, right? You know what? Don't take so much of tension. सब ठीक हो जाएगा. We'll do something. Hope so. ये तो अब ट्रेवर एक सेकंड गाड़ी रोको. पूर्वी कहीं जा रही हो? वो कुछ खास नहीं, बस पास में ही जा रही हूँ। हाँ तो बैठो ना, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अरे नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी। अरे ऐसे भी तो तुम ऑटो का वेट कर ही रही हो ना, तो हमारे साथ चलो। नहीं नहीं आप दोनों, मैं चली जाऊँगी। तुम इतनी फॉर्मेलिटीज क्यों कर रही हो, मैंने कहा ना हम तुम्हें छोड़ देते हैं, चलो आओ बैठो। नहीं वो फॉर्मेलिटीज वाली बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी। थैंक यू। इट्स ओके पूर्वी,
Come and sit now. It's okay. Come and sit. Z5 app डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।